लेकिन ये आभास दिया गया है कली काल में ये सब होगा, मतलब संस्कृति का आधा पतन जो होता है वो ठीक सब होगा। तो हमारी कैसे उत्तरदायित्व बनता है इसके ऊपर, माने आप सबसे बड़ी हैं, होना ही है इसलिए सब होना ही है, तो बैठ हमारी पूर्वजों के ऊपर। मनुष्य है या और कोई वृक्ष हो, आप मनुष्य है ना, जंगम प्राणी हैं या स्थावर, जंगम प्राणी, जंगम प्राणियों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। लौकिक वैदिक विधि निषेध मनुष्यों पर प्राप्त हैं, वृक्षों पर तो नहीं प्राप्त हैं। वृक्षों की अपेक्षा कुछ पशुओं पर विधि निषेध प्राप्त होते हैं, लेकिन मनुष्य पर तो पूरे विधि निषेध प्राप्त हैं, लौकिक भी वैदिक भी। अगर वेद को माने तो वैदिक, नहीं तो रूस इत्यादि में भी लौकिक विधि निषेध हैं ही। अगर मनुष्य का जीवन सर्वथा भोग योनि हो तो मनुष्यों पर लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति न हो। मनुष्य सर्वथा प्रारब्ध के अधीन हो तो भोगायतन ही शरीर हो, कर्मायतन न हो। मनुष्य जीवन जो है कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है, भोगायतन भी है। ईश्वर के नाम पे, प्रारब्ध के नाम पे अपने को बचाना बेईमानी है। और बहुत विचित्र बात है, भोग को तो ईश्वर के नाम पे कोई नहीं छोड़ता, भगवत प्राप्ति को ईश्वर के नाम पे छोड़ देता। भोग को जरा ईश्वर के नाम पे छोड़ दीजिए, भोजन बनना होगा तो बन जाएगा, मुँह में रोटी जानी होगी तो रोटी जाएगी। भोग में तो, भोग को तो ईश्वर पे छोड़ते नहीं, और भगवान की प्राप्ति को प्रारब्ध पर छोड़ देते, ये बेईमानी है, आलस्य है, प्रमाद। जीवन ही मिला है जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति, मृत्यु जड़ता दुख सतिक्रांत जीवन की प्राप्ति। और कोई प्रश्न?